हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज नेचुरल। और आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ मैं ब्राइडल लिपस्टिक की। कि ब्राइड अगर आप बनने वाले हो या बन चुके हो, न्यूली ब्राइड है, तो आपको कौन कौन सी लिपस्टिक लेनी चाहिए, कौन कौन सी बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग कलर है और आपके बॉक्स में, मेकअप बॉक्स में वो लिपस्टिक होनी चाहिए। और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो लिपस्टिक आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैंने यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक भी ली है और इसमें ब्लड लिपस्टिक भी ली है और साथ ही मैंने इसमें यहाँ पर क्रायॉन भी ऐड किया है, ताकि आपको जो भी पसंद हो वो आप ले पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लिक्विड लिपस्टिक पसंद नहीं होती, किसी को ब्लड लिपस्टिक पसंद नहीं होती, तो किसी को क्रायॉन पसंद नहीं होते, तो मैंने सभी ये तीनों ही इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए बिना देरी करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे अगर फर्स्ट टाइम आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बराबर में एक बेल आइकन भी होगा उसे भी ज़रूर दबा ले, ताकि मेरी जो वीडियो हैं लेटेस्ट वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और जो लोग मुझे वहाँ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लीजिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ऑलवेज नेचुरल इंडिया, तो यहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं लगाया है। ये लिपस्टिक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने ये वाली लिपस्टिक भी इसमें ऐड की है और मैंने मैक्सिमम वही लिपस्टिक ऐड की है इसमें जो मेरी पर्सनल फेवरेट हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रैक हो जा रहा है लिप्स का या फिर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है वो ना हो आपको। तो जो मुझे पसंद आई वही लिपस्टिक मैंने यहाँ पर ऐड की है। तो स्टार्ट करते हैं हम पिंक कलर से। ओके, तो हम डार्क पिंक कलर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये ली है अमस्तर की लिपस्टिक। आई नो कैमरा इतना ज़्यादा शो नहीं करता होगा, तो ये अमस्तर की लिपस्टिक है। ये पिंक कलर है, मतलब डार्क पिंक है। शेड नंबर है इसका 14। जितनी भी लिपस्टिक ले रही हूँ मैक्सिमम मैंने ऑनलाइन ही खरीदी है, तो आपको लगभग ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ऑनलाइन। मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये आई अमस्तर की लिपस्टिक है और इसका शेड नंबर है 14। कुछ ऐसी भी लिपस्टिक है जिनके शेड चले गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ चेक कर लेना। तो ये लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा कलर है। देखिए ये वाला एकदम से, मतलब एक लाइट वाला नहीं होता है कलर, नाइट में इतना ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आप न्यूली ब्राइड हो ना, तो आपको ये वाला जो कलर है ना वो अपने जो किट है ना उसमें रखना ही चाहिए। तो देखिए कितना प्यारा ये कलर है और मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और आई अमस्तर की लिपस्टिक में एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जो लिप्स है ना उनको क्रैक नहीं करती, मतलब एकदम से सुखाती नहीं है लिप्स को। काफ़ी सारी लिपस्टिक ऐसी होती है जो एकदम से सुखा देती है लिपस्टिक को, और हमारी जो लिप्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद मतलब क्रैक जैसे होने लगते हैं, पैचेस बन जाते हैं लिप्स पे। तो इसमें वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। बहुत ही प्यारा कलर है, मुझे लगता है आपको अपनी ब्राइडल किट में ये कलर रखना ही चाहिए। आज जो कलर है ये है NYV की लिपस्टिक। इसका भी शेड नंबर यहाँ पर नहीं है, NYV की है ये। मैंने काफ़ी सारे अपने मेकअप लुक में या फिर वैसे लगाई है, तो इस पर कॉमेंट मुझे आया है कि ये लिपस्टिक का शेड कौन सा है। तो शेड तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को यहाँ देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप चिपका देते हो ना शेड नंबर तो वो कहीं ना कहीं हट ही जाते हैं। तो ये कुछ कुछ मतलब डार्क ब्राउन में आप समझ सकते हो। अभी मैं लगा के दिखाती हूँ, हल्का सा रेडिश इसमें मिक्स है और ब्राउन कलर है, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाली लिपस्टिक। ये देखो कितना प्यारा शेड है, मतलब कुछ कुछ रेड ब्राउन में है और बहुत ही प्यारी लगती है ये लिपस्टिक। तो जो जो इस टाइप का कलर लगाना अगर पसंद करते हैं, तो ये वाली लिपस्टिक भी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, न्यूली ब्राइड को थोड़े से डार्क कलर होने चाहिए ना, तो थोड़े से डार्क कलर मैंने यहाँ पर डार्क कलर ही मैक्सिमम रखे हैं, लेकिन कुछ न्यूड शेड भी रखे हैं, क्योंकि आजकल न्यूड शेड भी बहुत चल रहे हैं। तो ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, बट इसमें थोड़ा सा अगर आपके लिप्स ड्राई रहते हैं, तो आप प्लीज़ पहले अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या होता है, ये लगाने के बाद ड्राई हो जाती है। बट कलर बहुत ही ज़्यादा
सुंदर है, इसीलिए मैंने इस हॉल में अपनी रखी है लिप्स। थर्ड जो मैंने ली है वो भी यहाँ पर आई एम अस्तर की लिपस्टिक है, ये वाली। और इसका जो कलर है वो कुछ कुछ मतलब पर्पल शेड है, और पर्पल भी कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग है सभी को पता है, तो मैंने यहाँ पर पर्पल भी रखी है। तो ये भी बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, और ये देखिए ये कलर है, ये वाला कलर है, मतलब नाइट में तो ना मतलब महफिल में रंग ला देगी, आप ही आप दिखने वाले हो, इतना प्यारा शेड है ये। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, डे में थोड़ा सा डार्क हो जाती है, हो सकता है जो लोग डे में लाइट लगाना पसंद करते हैं डार्क नहीं लगाना चाहते, तो ये नाइट के फंक्शन के लिए आप रख सकते हो, बहुत ही प्यारा शेड है। तो ये वाली है, और इन सभी की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी, मतलब दे दूंगी, तो वहाँ चेक कर लेना। तो अगला जो लिपस्टिक का यहाँ पर शेड लिया है वो मैंने लिया है स्टिक युर्की की लिपस्टिक, ये पिंक है, मतलब एकदम डार्क वाला पिंक नहीं होता है रानी कलर, वैसा वाला मैंने लिया है, क्योंकि ये वाला ना बहुत ही कॉमन है, आपके ग्रीन साड़ी पहन रहे हो, ग्रीन लहंगा पहन रहे हो, ब्लू पहन रहे हो, या फिर आप मतलब कोई भी कलर पहन रहे हो, पिंक तो चल ही जाता है यार सब पे। तो अगला मैंने यहाँ पर पिंक लिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके का शेड है, ये मिनी लिपस्टिक है स्टिक युर्की की, चाहो तो आप बड़ा वाला ले सकते हो, ये मिनी है, ये देखिए ये वाला शेड है, कितना प्यारा लग रहा है ये शेड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला शेड। तो ये लिपस्टिक है, ये भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टिक युर्की की है। अगली जो लिपस्टिक मैंने यहाँ पर ली है वो ली है पर्पल की, तो मैक्सिमम जितनी भी लिपस्टिक यहाँ शेयर कर रही हूँ वो आपको पर्पल पे ही मिलेंगी, पर्पल की साइड पे। तो अगली मैंने पर्पल की ही ली, एक ब्लड लिपस्टिक है, और कुछ कुछ इसमें मतलब ब्राउन कलर, ब्राउन बोल सकते हैं, मुझे ना कलर की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट ये कुछ कुछ ब्राउन कलर है, और इसका शेड नंबर है 24, ठीक है, तो 24 इसका शेड नंबर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाला कलर है, ये मतलब ये कलर तो ना इतना ज़्यादा आपको दिखेगा ना ट्रेंडिंग में, थोड़ा सा न्यूड कलर है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना ये कलर, ये आप डे में लगा सकते हैं, नाइट में लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। और एक बात बताऊँ, ये लिप्स को ना बिल्कुल भी क्रैक नहीं करता, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है ये वाला, तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। और अगला जो लिपस्टिक मैं यहाँ दिखा रही हूँ वो है ये वाला आई एम अस्तर का ही है, क्योंकि मैंने आई एम अस्तर की बहुत सारी लिपस्टिक मैंने ली हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, तो इसलिए मैं कई सारे दिखा रही हूँ। तो ये भी न्यूड शेड है, ये यहाँ लगा के दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला है, मतलब थोड़ा सा इसमें आपको पर्पल कलर मिक्स है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये वाला मैंने पर्पल दिखाया था, ये डार्क है और ये वाली लाइट है, तो ये न्यूड शेड में आता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका शेड नंबर यहाँ पर मेंशन किया है, 6 है इसका शेड नंबर, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। कला क्रायोन मैंने यहाँ पर लिया है, और ये वाला कुछ न्यूड शेड है, मतलब कुछ कुछ इससे सिमिलर ही है इससे, लेकिन अगर आप लिक्विड नहीं लगाना चाहते तो आप ये वाला ले सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मैंने इतना लगाया है ना ये वाला शेड कि इसका मतलब जब तक मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी ना, निकालूंगी नहीं ना, इसको छीलूंगी नहीं, तब तक नहीं निकलेगा। ये देखिए इससे सिमिलर ही आपको शेड ये दिखेगा, ये देखिए लगभग थोड़ा सा चेंज है बट सिमिलर है, ये लिक्विड में है और ये आपको क्रायोन में मिल जाएगा, तो अगर आप लिक्विड नहीं लेना चाहते हैं तो ये वाला ले सकते हैं, लगभग सिमिलर ही शेड है कितना ज़्यादा मैं कभी कभी हकला जाती हूँ ना कि कुछ का कुछ बोल देती हूँ। एनीवेज ये सब छोड़ते हैं, अगला जो कलर मैंने यहाँ पर लिया है, लिपस्टिक ली है, वो है ये कलर कोड की लिपस्टिक, ये मेरी पर्सनली फेवरेट 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 वाली लिपस्टिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इनफैक्ट जो अभी मैंने शेड लगाया हुआ है ये वाली है, अगर आपके लिप्स क्रैक हो जाते हैं, अगर आपके लिप्स पैची हो जाते हैं, या फिर आप लॉन्ग लास्टिंग देखना चाहते हैं कुछ, तो ये वाली ले लो। लेकिन यार मैं इसका लिंक आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये मैंने लोकल मार्केट से ली है,
और ये कलर कोड की है, और इनके जो प्राइस, शायद मैंने प्राइस किसी के नहीं बताया लेकिन मैं आपको आइडिया देती हूँ, सारी ही जितनी लिपस्टिक हैं सभी अंडर 250 रुपीज़, और कुछ अंडर 100 रुपीज़ भी हैं। जैसे क्रायॉन है तो आपको 200 रुपये के अंदर आपको लिपस्टिक मिल जाएगी, तो ये जितना भी हॉल है मैं लगभग 200-220 तक ही अंडर रखूँगी सॉल को, ताकि सभी के बजट में आ पाए। बहुत ज़्यादा महंगे लिपस्टिक मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ, तो ये 250-300 तक भी बजट नहीं जाएगा, सारी ही 250 रुपये के, 250 रुपीज़ के अंदर ही है सारी लिपस्टिक। तो ये वाली मैंने लिपस्टिक मैंने लोकल मार्केट से ली है, और रिसेंट में ही मैंने ली है, तो ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए कलर तो ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, यहाँ पर फिर भी दिखा देती हूँ, यही वाला कलर है जो मैंने अभी लिप्स पे अप्लाई किया है, फिर भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, मतलब इतना ज़्यादा प्यारा कलर है ना ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, ये बहुत प्यारा कलर है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो ये वाले भी आप ले सकते हैं। देखिए सारे कलर, मुझे पता भी नहीं है मैंने 10 लिपस्टिक शेयर किए हैं, कितनी की हैं, बट मैं जितनी लेके बैठी हूँ अभी यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। इसके अलावा भी मैं सोच रही हूँ एक लिपस्टिक और है जो न्यूड शेड है, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको भी। इनफैक्ट मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे, मैंने 2 वीडियो इससे पहले जो मैंने अपलोड किए हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो मैंने लिप्स पे कलर लगाया है कितना ज़्यादा नेचुरल और प्यारा लग रहा है, तो वो ये वाला है। तो ये भी न्यूड लिपस्टिक है, तो ये भी लोकल मार्केट से ली है, और रोमांटिक ब्यूटी की वंडरफुल कलर लिक्विड लिपस्टिक भी लोकल मार्केट से ली है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगने वाली है, मतलब मेरी फेवरेट है। आई डोंट नो, वैसे मैं लोकल मार्केट से नहीं लेती, लेकिन अभी मैंने जितनी भी ली है पता नहीं क्यों इतनी पसंद आई है मुझे लिपस्टिक। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का कलर है, मतलब इससे थोड़ा सा, इस वाली से थोड़ा सा लाइट कलर है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये वाली लिपस्टिक। कोई भी पैची वैची होने का कोई टेंशन ही नहीं है, जितनी भी मैक्सिमम लिपस्टिक दिखाई है, खाली एक जो ये वाली है ना NYV की, ये वाली तो इसमें थोड़ा सा पैचीनेस की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप लिप्स को मॉइस्चराइज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो भी होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली लिपस्टिक है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, तो ये वाली है सारी ही, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुई है ना, तो एक आप लोग साथ और शेयर कर देती हूँ। तो ये वाली है, ये है मियोन रिच मैट, तो ये मियोन की रिच मैट बुलेट लिपस्टिक है, ये पिंक ही शेड है इसका, और HD लिपस्टिक है, यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, ये भी लोकल मार्केट से ली है, ये भी आपको अंडर 250 रुपीज़ मिल जाएगी, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आई, बुलेट लिपस्टिक है और मैट लिपस्टिक है, मतलब आप लॉन्ग लास्टिंग भी है, इतनी ज़्यादा तो लॉन्ग लास्टिंग बुलेट लिपस्टिक नहीं रहती जितनी ज़्यादा मैट मतलब लिक्विड वाली रहती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। मैं इसका कलर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा कलर है, दिख रहा है ना कितना सुंदर कलर है। मैंने जितने भी कलर आपके साथ शेयर किए हैं सभी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और मैंने यहाँ पर रेड लिपस्टिक नहीं रखी है क्योंकि रेड बहुत ही कॉमन कलर है, मुझे लगता है कि मुझे ना उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग रखते ही हैं ब्राइडल किट में अगर रेड चाहिए, लेकिन ये वाले जो शेड है ना अभी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे शेड हैं, तो ये वाले एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आने वाले शेड हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।